फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और स्वागत है आपका अच्छे ब्लॉग्स में। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और आज हस्बैंड को थोड़ा सा जल्दी निकलना है। रोज़ के टाइम से वो एक घंटा पहले निकलने वाले हैं, उनको कुछ काम है, तो इसलिए सुबह जल्दी जल्दी में बस मैं ये पोहे बना रही हूँ। चाय और पोहे होगा आज का ब्रेकफास्ट, क्योंकि आज वीकेंड है तो वीकेंड को बच्चों की छुट्टी रहती है स्कूल की, तो थोड़ा सा लेट ही उठते हैं हम लोग। तो बस जल्दी में यही मैंने नाश्ता बना दिया। और पोहे ऐसे भी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, एकदम सिंपल सा पोहे बनाती हूँ मैं, उसमें कुछ भी वेजिटेबल्स और नहीं डालती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और स्वागत है आपका अच्छे ब्लॉग्स में। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, ब्रेकफास्ट तो हो गया है मेरा, और आज हस्बैंड को थोड़ा जल्दी जाना था तो जल्दी काम हुआ है, लेकिन लंच नहीं बना है मेरा। अभी मैं जा रही हूँ लंच बनाने के लिए। घूमी करेंगे, वहाँ जाएंगे, आज घूमी जाएंगे। देखिए, इसको सुबह उठते ही घूमनी चाहिए। तो ये भी उठ चुका है और हर्षित पीछे पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि आज सैटरडे है तो स्कूल की छुट्टी है, सैटरडे संडे वीकेंड है, तो अभी वो पढ़ रहा है। और कैंडू एज यूजुअल अपनी मस्ती कर रहा है। दोनों का ब्रेकफास्ट हो चुका है और हस्बैंड आज जल्दी चले गए थे, तो मैंने सुबह में लंच नहीं बनाया है, क्योंकि सैटरडे को ऐसे भी थोड़ा रूटीन अलग होता है वीकेंड का, तो सैटरडे को मैं बच्चे घर में रहते हैं तो मैं बाद में ही लंच बनाती हूँ ताकि गर्म गर्म मिले खाने को। और बस आज ना हस्बैंड भी लंच में आने वाले हैं घर, तो मैंने काम और हो चुका है। हस्बैंड के जाने के बाद मैंने झाड़ू पोछा लगा के नहा लिया था, उसके बाद ये बच्चे भी उठे हैं, थोड़ा लेट से ही उठे हैं, तो इनका भी ब्रेकफास्ट और हो चुका है। और अब चलिए चलते जल्दी से लंच बना लूँ, क्योंकि अभी हस्बैंड आएंगे तो लंच खाने के बाद हमें कहीं निकलना है, बाहर जाना है, कुछ काम है, तो इसलिए फिर मैं जल्दी से कर लूँ ताकि टाइम से काम हो जाए। और ये देखिए, ये मेरे मुझे कैसे परेशान कर रहा है, देखिए मेरे ड्रेस में है ये क्या कर रहा है तुम? क्या कर रहा है? घूमी करना है, ऐसे घूमी करना है। हाँ पापा, इसको बस एक बार पता चलना चाहिए जो कहीं बाहर जाना है, बस ये फिर सारा दिन मुझे परेशान करता है। तो क्या होता है, कहीं जाना भी हो ना तो मैं इसे बताती नहीं हूँ आज जाना है, जब जाते हैं निकलना होता है तब बताती हूँ, क्योंकि अगर इसे पहले पता चल जाए ना फिर ये सारा दिन मुझे परेशान ही करता रहता है। चलो मम्मी घूमी चलो। और यहाँ देखिए, एक और आलू मैंने बॉइल करके रख लिया है, बॉयल करके छिलके सुबह ही मैंने रख दिया था, अभी बस इसका मैं एक करी बनाऊंगी आज। और सोयाबीन भी मैं एक करी में डालती हूँ, लेकिन आज नहीं है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही कर लूँगी। तो फिर चलिए जल्दी से लंच बनाना स्टार्ट करती हूँ। और तो बस कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं, कुछ खरीदारी, लेकिन कुछ स्पेशल शॉपिंग होने वाली है, तो क्या होने वाली है मैं आगे बताती हूँ आपको ब्लॉग में। तो चलिए पहले मैं लंच बना लूँ, फिर मैं आपसे बातें करती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा काम में। खाना बन गया है और अब यहाँ लास्ट में कैंडू के लिए दाल बना रही हूँ मैं। और देखिए सारे बर्तन भी धो लिए मैंने और पूरा गैस और भी क्लीन करके तब लास्ट में इसके लिए दाल बना रही हूँ। तो सारे काम हो चुके हैं और अभी ये नहीं आए हैं, तो ये आएंगे फिर हम लोग खाने के बाद निकलेंगे। तो अभी मैं कैंडू को जा रही हूँ नहलाने, नहला के फिर उसे भी मैं खिला दूंगी। और इसके लिए जो दाल बनाई है मैंने, क्योंकि एक कढ़ी में से वो एक और आलू तो खा लेगा, लेकिन उसकी ग्रेवी वो नहीं खाता है, उससे थोड़ा तीखा लगता है, तो इसलिए मैंने दाल भी उसके लिए बना लिया है। तो दाल चावल और एक और आलू खा लेगा। और हर्षित को जाना है क्रिकेट कोचिंग के लिए, तो देखिए खा रहा है, मैंने इसे खाना दे दिया है। तो पहले हर्षित का क्या था, सैटरडे संडे मॉर्निंग में ही होता था क्रिकेट कोचिंग, लेकिन अभी उसका टाइम चेंज हो गया है एज के हिसाब से, अभी वो 12 इयर्स हो गया है ना, तो उसका टाइमिंग चेंज हो गया है, तभी उसका दोपहर में होता है कोचिंग, तो इसलिए अभी खा के फिर 2 बजे वो निकलेगा, इसलिए मैंने उसे जल्दी खाना दे दिया है, जो खा के थोड़ा तुरंत खेलना सही नहीं होता है ना, तो थोड़ा देर बाद मतलब एटलीस्ट जाने से 1 घंटा पहले वो खा ले। तो अभी 1 बज रहा है और अब जा रही हूँ कैंडू को नहलाने। और देखिए जब तक मैंने खाना बनाया, इसने बिस्तर का क्या हाल किया है, पूरा बेड, ये दोनों भाई खेल खेल के पूरा बेड खराब कर दिया, तो अभी पहले मैं बेड क्लीन करूंगी फिर इसे नहलाऊंगी। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और
लंचन हो गया है हमारा, उसके बाद मार्केटिंग के लिए निकले हैं। और मौसम आज सही नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लाउड है, क्लाउडी वेदर है, लग रहा है बारिश होगी, लेकिन फिर भी हम लोग निकले हैं क्योंकि आज जाना ज़रूरी था, क्योंकि कल मंडे है तो कल से मैं हर चीज़ कह दूँगा स्कूल स्टार्ट हो रहा है, तो स्कूल के लिए यूनिफॉर्म लेने जा रहे हैं। हम लोग जल्दी निकल गए हैं, जो बारिश हो उससे पहले हम काम करके आ जाए। और थोड़ा सा दूर है मार्केट, हमें जिस दुकान का एड्रेस दिया गया है वो सोनपुर में है, थोड़ा सा हमारे घर से दूर है, टाइम तो लगेगा लेकिन चलिए देखते हैं। और यहाँ देखिए कैंडू है, कैंडू हेलो, कैंडू कहाँ जा रहा है? स्कूटी से जा रहा है। कैंडो का ड्रेस हो रहा है। अरे पापा तू चुपचाप खड़ा रहो, तू खड़ा रहो, तो शांति से खड़ा रहो, मम्मी देख रही है। हाँ ठीक है, ज्यादा बड़ा भी नहीं अच्छा लगता। नहीं ठीक, बच्चा मतलब लोग बताए अभी नहीं देख सकते, कलर है, कलर बोल दे। दो ले लीजिए ना, एक दो तो लेना, दो लेना, गर्मी का टाइम है, बरसात वरसात हो गया। कैंडो पसंद आया ड्रेस? यही तो कैंडो का ड्रेस आ गया। जाएगा तो यूनिफॉर्म पहन के जाएगा तो स्कूल? अरे पहन के जाना है तो स्कूल, ना स्कूल नहीं जाना नहीं, नहीं। कल तक तो हाँ बोल, ड्रेस खरीदने आ गया। देखो पैंट अरे पूरा तो रेड है, पूरा पूरा तेरे को लाल बाबा बना देगा। ए बारिश हो रहा है। कैंडो देखो अब कैसे जाएंगे, तो हमारी शॉपिंग हो गई है, 10 मिनट लगा ज़्यादा टाइम, और लेकिन बाहर बारिश स्टार्ट हो चुकी है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं बारिश थोड़ी से कम हो तो फिर निकलेंगे घर। और लग ही रहा था बारिश हो जाएगी, लेकिन ठीक है अभी वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा कम होएगा बारिश फिर निकलेंगे। शॉपिंग हो गई है, एक ही दुकान में हमें सब कुछ मिल गया है, बस अभी कैंडो का बैग लेना है, तो बैग के लिए देखते हैं आगे की दुकान है, तब तक बैग ले लेते हैं, बारिश हो रही है। उधर मत जाओ, इधर बैठो। देखो तो बैग ले रही है, देखो कैसा वाला बैग पहन के देखो, ठीक है ना? ठीक है, पहने ही ना, बराबर बराबर, ये खुला है, ये लगाना लगा लगा देगा, ठीक है ना साइज? एक बड़ा वाला कौन सा इन्वेंटर कौन सा है? देखो कैंडो बैग पसंद है? ये बड़ा हो जाएगा, हाँ लेकिन वही हो जाएगा, चलेगा ऐसे ऐसे होगा ना, लेकिन कलर अच्छा है, ठीक है वही दी, यही ले ले, ये कलर अच्छा है। एंडो का रेनकोट खरीदना हो गया, और खरीदते ही देखिए बारिश शुरू, लगता है कैंडो को रेनकोट का आज उद्घाटन करना ही पड़ेगा, पहन के ही कर जाएगा क्या कैंडो? इतना जल्दी कभी हम लोग रेनकोट यूज नहीं किए, खरीदे और पहने, चलो तुमको रेनकोट पहना के घर ले जाएंगे, पहना दी, रेनकोट पहनो। हाँ कैंडो इज रेडी, कैंडो रेडी हो गया, चलो चलो बारिश में भीगेंगे, चलो चलो बारिश में भीगेंगे हम लोग, अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा, चलो 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 चलो। तो फाइनली अब हमारी शॉपिंग हो चुकी है और बारिश अभी रुका हुआ है, तो हम लोग अब घर जा रहे हैं। और कल के ब्लॉग में आप देखिएगा जो कैंडो का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल कैसे लगता है, कैंडो कैसे रिएक्ट करता है, तो फिर आज का ब्लॉग में यही एंड करती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय, कर दी कैंडो।